कि आज आपको विश्वास हो जाएगा कि जब हमारे बीच से एक लीडर ओडी ले सकता है तो यहाँ खड़ा हुआ हर लीडर ओडी ले सकता है। अगला नंबर आपका है। हो सकता नहीं है, तो बिल्कुल विश्वास के साथ। और आज ऐसा भी पक्का होगा, कुछ लोगों ने ऐसा बोला होगा कुछ नहीं होता, जी सर, उनको भी आज लगेगा यहाँ तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होते होते ओडी जैसी गाड़ी आ जाती है, अगर कुछ होना शुरू हो गया तो क्या आएगा। तो हम ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आज के सुपरस्टार, आज के हीरो, जो हमारी नजरों में भी और हमारी कंपनी की नजरों में भी, आज जिनकी वजह से हमारी कंपनी में एक और लग्जरी गाड़ी ऐड हो रही है, आज जिनकी वजह से हमारी टीम में एक और लग्जरी गाड़ी ऐड हो रही है, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके डिसीजन की वजह से हमारे पास एक और लग्जरी गाड़ी के ओनर आज हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं। आज एक और क्लब में, निवासी 90 के क्लब में आ रहे हैं। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, गाड़ी कोई भी आ जाए, जब तक उस पर नंबर वो वाला नहीं होता ना, तब तक मुझे उस गाड़ी में लग्जरी फील ही नहीं आता। तो आज वो शोरूम वालों ने बोला सर पहले लगा दें कि बाद में लगा दें, हमने बोला पहले लगा दो, अब लगाया कि नहीं लगाया हमें पता नहीं, हमें देख रहे। तो आप सब लोगों के जोरदार हल्ले गुल्ले तालियों के साथ आज के सुपर हीरो को हम लोग कॉल करते हैं कि आप लोग तैयार हो, जोरदार तालियां नीरज सर के लिए, जोरदार। कवर के नीचे जितनी सुंदर लगती है उससे ज्यादा खूबसूरत कवर उतरने के बाद लगती है। मालूम है आपको? तो मैं आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं कराना चाहता, और मैं भी जब भी कहीं जाता हूँ आपको खास बात बताऊं, मैंने आज तक कभी भी कहीं भी गया किसी लीडर से ये नहीं पूछा कि गाड़ी कलर की कौन सा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता पहले से ना चले, अगर मुझे पहले पता चल गया तो मेरी देखने की इच्छा कमजोर हो जाएगी। अब तक मुझे नहीं पता कि गाड़ी का कलर क्या है, हरी है, लाल है, पीली है, काली है, सफेद है या ब्लैक एंड व्हाइट है। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर ओडी ले रहा हूं कौन से कलर के लूं, तो मैं बोल रहा हूँ ओडी होनी चाहिए, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों ना हो, ब्रांड कोई कलर की जरूरत नहीं है, मतलब ब्रांड है तो ब्रांड है। तो आप लोग तैयार हो? वन टू थ्री। सुनो बात, जब तक हमारे स्टेज पे तालियां नहीं बजती ना तब तक हमारे लीडर को भी ट्रेनिंग देने में मजा नहीं आता, और हमारी गाड़ियों को भी ऐसी आदत पड़ गई कि जब तक ताली नहीं बजती ये भी पता नहीं था। अभी कवर क्यों रुक गया पता? जब कार के ऊपर नंबर ये होता है तो वो लग्जरी नहीं, वो सुपर लग्जरी कार। और नीरज सर आपको सुपर लग्जरी कार लेने की बहुत बहुत बधाई। आज आपने ली है, आपकी टीम में ये लाइन लग जाएगी, और इस नंबर के ऊपर कई बार देखने के बाद प्राउड फील पता है क्यों होता है? मुझे कई लीडर ने बताया कि सर मुझे गाड़ी लेने का मजा उस दिन आया, मैंने बोला कब आया, बोला मैं किसी रोड से जा रहा था और किसी ने मुझे रोक के बोला आप असली बस से हो ना, तो उसने बोला मैं तो आपसे मिला नहीं कैसे, बोला ये नंबर सिर्फ वही मिलता है। तो आप कहीं से भी निकलने वाले नंबर निकलता है तो लोग समझ जाते हैं गाड़ी किसकी है। पूरा आना चाहता हूँ,
देखो एक खजाना है। और दोस्तों एक खूबसूरत सी चाबी। और इस चाबी की खासियत क्या है? अगर किसी कोई आदमी गाड़ी के साथ खड़ा है ना, तो आदमी ये मान सकता है कि गाड़ी किसी और की होगी। लेकिन अगर किसी के पास उस गाड़ी की चाबी है, तो कंफर्म वो आदमी मालिक है। यस सर। क्योंकि गाड़ी की तो किसी के पास भी जाके खड़ी हो सकती है। यस सर। लेकिन चाबी अगर आपके पास है तो आपकी है। यस। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग इस चाबी को ध्यान से देखें और ऊपर वाले से एक प्रार्थना करूंगा, एक दुआ करूंगा और मांगूंगा कि भगवान, जिसकी भी नजर आज इस चाबी पे पड़ रही है, जल्दी से जल्दी उसके घर में इस चाबी वाली कार उसके घर में जल्दी से जल्दी आ जाए। वेलनेस की तरफ से नीरज सर को उनके सपनों की बोलता हूं, लेकिन मुझे लगता है सपनों की तो नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊं? क्यों नहीं? हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं सोचा था ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर लेने की। क्योंकि मैं भी जिस परिवार से आता हूं, आप लोग भी तकरीबन लोग किस परिवार से आते हैं, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मेरी बात का समर्थन करना। कहां हमारे सपनों में ओडी हुआ करते? हम लोग ओडी नाम के ब्रांड को जानते नहीं थे, हम ना बीएमडब्ल्यू को जानते थे। हम लोग कार का मतलब मारुति और हुंडई ही समझा करते थे। हम लोग कार का मतलब ये समझा करते थे, जिस कार में ज्यादा सीट होती है वो ज्यादा महंगी, और 5 सीट वाली कार को मारुति। सही है जी? गलत? हम ये तो नहीं कह सकते सपनों की कार है। लेकिन आज धन्यवाद देते हैं असलीपेस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म को कि असलीपेस वेलनेस ने हमें सपने दिखाए भी और पूरे करवाए। नहीं पता कि नीरज सर का ये कब का सपना था, कब इन्होंने सोचा था, लेकिन फिर भी आपके सपनों की कार जो आपने सपने देखे थे, आज वो एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो गया है। क्योंकि हमेशा हम लोग एक बात बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंप्लीट सक्सेसफुल लीडर वो होता है जिसके पास 4 चीजें होती हैं। पहली चीज बोला जाता है, आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के अंदर कभी कोई स्पीच सुनी होगी, पैसे की बात बात में होती है कि लेकिन पहले होती है कि मुझे बनना है डायमंड। सुना है ना? Yes. वो खिताब आपके अपॉइंट पूरा कर चुके, एक पैमाना। दूसरा पैमाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रैंक अलग अलग कंपनी में अलग अलग लेवल के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दूसरा यह होता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो जाए, करोड़पति बनकर के दिखाना है। और वो भी आपके अपलाइन पूरा करिए, यानी दो पैमाना पूरा। तीसरा होता है कि एक आदमी जब भी किसी कंपनी में जाता है तो उस कंपनी की जो कैपिंग इनकम होती है वो जिस दिन वो पूरा कर लेता है, यानी उसका ड्रीम होता है कि मुझे किसी कंपनी का कैपिंग अचीवर बनना है, जी सर, वो आप बन गए या बनोगे, वो एक बच रहा है इसलिए वो आप, मतलब हमें अगला टारगेट देना जरूरी होता है। अब हम डायरेक्ट बोल देंगे तो क्या आपका माने ना मानते तो थोड़ा सा कैसे है ना, आप बनोगे। और फोर्थ होता है कि आपके पास एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। आज